सभी को जेलसी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने पास्टर्स जी का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु का वचन आज आप सभी के समक्ष लेकर आने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। प्रभु जी आज जो भी वचन आप देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उस वचन को बोलने और समझाने वाली मैं ना हूँ परंतु आप मुझे होकर बोले प्रभु। अपने शब्द और अपनी वाणी मुझे दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर, ताकि आपके द्वारा उन सभी लोगों के हृदय में कार्य हो सके जो इस वचन को सुने और समझे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में भी ये वचन कार्य करने वाले बने पिता परमेश्वर। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता, और धन्यवाद करते इस समय के लिए। प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपका राज्य भी आता रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस उन्नति और प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे दया भरे पवित्र और सामर्थ्य नाम को करके मांगते सुनने का कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सभी को फिर से जय मसीह की। आइए हम वचन निकालते हैं इफिसियों अध्याय 6 और वचन 13, आत्मिक युद्ध के हथियार। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जीवन पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर के इस वचन के लिए, धन्यवाद जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। इस वचन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें आत्मिक युद्ध के हथियार धारण करने हैं और अपने आप को स्वयं को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि ये अंतिम समय चल रहा है और परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं आत्मिक युद्ध के जो हथियार परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमें वो धारण करने हैं, उन हथियारों को ले लेना है। यानी कि हमें सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता की झीलम को पहनना है, पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने हैं, सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें ये सभी हथियार किस लिए धारण करने हैं, हमें ये सभी हथियार इसलिए धारण करने हैं ताकि हम मजबूत बने रह सके परमेश्वर में और खड़े रह सके उस दिन में जब हमारा सामना शैतान से होगा। क्योंकि जब शैतान जो इस संसार का सरदार बना बैठा है, हमें उससे युद्ध करने के लिए इन सभी हथियारों की जरूरत है। और आज हम सभी, हमें अब स्वयं से क्वेश्चन करना है, हमें प्रश्न पूछना है स्वयं से आज कि क्या आज हम तैयार हैं, क्या आज हमने ये सभी हथियार जो परमेश्वर ने हमसे कहा है इन्हें धारण किया हुआ है, क्या हम आज भी जागते और प्रार्थना करते हैं, क्या आप करते हैं। परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे मत डर, विश्वास रख, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हमें जरूरत है जागते रहने की, उसमें बने रहने की, उसके और समीप आने की, प्रार्थना करने की, मजबूत बने रहने की, दृढ़ विश्वास में दृढ़ निश्चय रहने की। और हमें जरूरत है परमेश्वर से अपने दिल की बातों को खोल कर कहने की, क्योंकि जब परमेश्वर जो हमारा रचने वाला है, जो हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है, जब तक वो हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं। परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें उद्धार के टोप को, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे लेना है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
हमें जागते रहना है, आज हमें जागने की जरूरत है, ना कि पीछे मुड़ के देखना। हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जब शैतान हमारे सामने होगा, हमें उसका सामना करना होगा, तब उस समय हम जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो शैतान हम पर वार करेंगे। लेकिन यदि हम शैतान का डटकर सामना करेंगे, सामने देखेंगे, सीधा देखेंगे और शैतान को नष्ट करेंगे उन हथियारों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमसे दिए हैं, तो शैतान नष्ट हो जाएगा और हमेशा के लिए मिट जाएगा। आज हमें जरूरत है मजबूत बनने की, परमेश्वर में मजबूत बनने की, उसमें खड़े रहने की, उसमें तैयार रहने की, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे साथ है, परंतु क्या हम इतने मजबूत परमेश्वर में हैं? हमें प्रश्न करना है स्वयं से। गोलियत भी जब मारा गया था, दाऊद उसने सिर्फ सीधा देखा था, दाऊद सीधा गया और उसने गोलियत को मारा, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने जब शैतान उसके सामने था, उसने सीधा सामने जाकर युद्ध किया, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा एक बार भी। उसको पता था कि यहोवा मेरे साथ है। आज भी परमेश्वर हमारे साथ है, वो सर्वदा एक सा बना रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य का भी परमेश्वर है, वो आज हमारे साथ है और हमारे भविष्य में भी वो हमारे साथ होगा। वो हमसे वादे करता है और उन्हें पूरा भी करता है, परंतु क्या हम उन वादों को पूरा करते हैं जो हम परमेश्वर से करते हैं? क्या हम पूरा करते हैं? हमें परमेश्वर के और समीप आने की जरूरत है, उससे बातें करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातें करते हैं, हमारे जीवन के हर प्रश्न को उत्तर देते हैं, हमारे साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं, हमसे वो इतना प्रेम करते हैं। क्या जितना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं हम उतना करते हैं? क्या हम कोशिश भी करते हैं परमेश्वर से उतना प्रेम मिलने की? क्योंकि प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है। प्रेम तो बस प्रेम है जो परमेश्वर ने हमसे किया, पर परमेश्वर उस प्रेम की सच्ची परिभाषा है। परमेश्वर आज हमारे समक्ष जो वचन लेकर आते हैं, वो वचन बहुत बहुत हद तक, बहुत ही गहराई तक हमारे जीवनों से जुड़े होते हैं। वो परमेश्वर जो संसार में आने वाला है, कुछ ही समय रह गया है जब यीशु आएगा और देर ना करेगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा, परंतु क्या आज हम तैयार हैं उसके लिए, उसके साथ जाने के लिए, कि जब वो आए तो हमें देखकर वो प्रसन्न हो जाए और हमें अपने हृदय से लगाए और हमें अपने साथ लेकर जाए। क्योंकि मैं कुछ पंक्तियां भी कहना चाहूंगी खुद की लिखी हुई जो परमेश्वर ने मुझे दी। जिसने यह का केवल हरा प्रभु है, उसे कोई डुबा नहीं सकता, और जिस युद्ध का सेनापति स्वयं प्रभु है, उस युद्ध को कभी कोई हरा नहीं सकता, उस युद्ध में कभी कोई हार नहीं सकता। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमसे प्रेम करते हैं, वो हमारे पास ही है। हमें जरूरत है परमेश्वर की कृपा की, हमें जरूरत है उससे विनती और प्रार्थना करने की, हमें जरूरत है आत्मिक के जो हथियार है उन्हें धारण करने की, यानी कि विश्वास में बने रहने की, दृढ़ निश्चय होने की, उदारता के टॉप को धारण करने की, मेल के सुसमाचार के जूतों को पहनने की। हमें जरूरत है आज परमेश्वर में जागते रहने की। परमेश्वर हमसे बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जो हम समझ नहीं पाते, क्यों हम समझ नहीं पाते, क्यों हम पीछे मुड़कर देखते हैं, क्यों हम उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं जो परमेश्वर हमें क्षमा कर चुका जिन चीजों का, क्यों हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या आज भी आपने हमें क्षमा नहीं किया, क्यों हम पीछे मुड़कर देखते हैं, क्यों हम अपने पास्ट को देखते हैं बार बार, और जब हम अपने पास्ट को देखते हैं तो फिर भी हम अपने वर्तमान में गलती कर रहे हैं, उस समय में हम गलती कर रहे होते हैं जब हम अपने पास्ट में देख रहे हैं। हमें परमेश्वर की तरफ देखना है, ना हमें पास्ट में देखना है, ना हमें फ्यूचर में देखना है, परंतु हमें वर्तमान में रहकर सिर्फ परमेश्वर की ओर, सिर्फ परमेश्वर का विश्वास करना है, परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर से ही कहना है। क्योंकि जहां मनुष्य साथ ना देगा, जहां मनुष्य साथ ना होगा, वहां परमेश्वर हमारे साथ होगा, वहां परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा। और वो आज भी कार्य करेंगे नहीं बल्कि हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, वो खड़े होंगे नहीं बल्कि हमारे साथ वो खड़े हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और वो हमारे पास है। उससे विनती कीजिए, उससे कहिए और उससे मांगिए, वो जरूर देगा और हमारी विनती प्रार्थना को जरूर सुनेगा। तो आइए
हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिए, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जो आज आपने हमें दिया। इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, ये वचन जिन भी लोगों ने सुना हो पिता परमेश्वर, उन सभी को बहुत सी आशीष देना पिता परमेश्वर, जो कार्य आप उनके जीवन में करना चाहते हैं, जो योजनाएं आपने हर एक के भविष्य और जीवन के लिए बनाई है पिता परमेश्वर, वो योजनाएं उनके जीवन में आपकी पूर्ण होने वाली बने पिता, आपकी इच्छा पूर्ण हो, आपका राज्य आने पाए, अपनी पवित्र आत्मा देना और हर एक के जीवन, हर एक के हृदय को, हर एक के सोच को, विचारों को अपनी तरफ मोड़ दीजिए, बदल दीजिए पिता, एक बड़े बदलाव को आज महसूस करने वाले बने पिता, अपनी पवित्र सामर्थ्य आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो पिता, और हम आपकी आज्ञाओं को मानकर उन पर चलने वाले बने पिता, हम आपके और समीप आने वाले बने परमेश्वर, और ये वचन हमारे हृदय में पिता परमेश्वर हृदय की पट्टियों पर लिख जाए पिता परमेश्वर, और हमारे हृदय में बस जाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस विनती और प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे, दया भरे, पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर के मांगते हैं। सारा इज्जत, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। हमारी विनती प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।